हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगल पेज एप्लीकेशन के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें हम कुछ पांच टॉपिक्स जो है वो कवर करने वाले, जैसा कि टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, फिर उसका एग्जांपल देखेंगे, फिर देखेंगे सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है, एडवांटेजेस क्या है इसके, और रिएक्ट में हम सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं या नहीं, और कर सकते हैं तो कैसे करते हैं। तो इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें, और आपके सवाल या सुझाव है तो नीचे आप कमेंट जरूर करें। टाइप्स ऑफ वेब एप्लीकेशन, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है राउंड ट्रिप एप्लीकेशन। तो इसकी डेफिनेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एप्स दैट आर टोटली डिपेंडेंट ऑन सर्वर फॉर एनी इवेंट्स एंड एक्शन। तो ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है। इसमें मतलब ये है समझाने का कि जब भी हम कोई एक्शन या फिर इवेंट परफॉर्म करते हैं तो हमारी रिक्वेस्ट बार बार जो है सर्वर को हिट करती है, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो डॉम होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, वो बार बार रीरेंडर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस जो है स्लो होती है। जो कि सिंपली अगर आप PHP बैकग्राउंड से है तो आपने देखा होगा, अगर आप कोर PHP विदाउट API पर अगर आप काम करेंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि बार बार हम क्या करते हैं, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं। जैसे कि मैंने फॉर्म सबमिट किया तो अब उसका रिस्पांस हमको सर्वर से रिटर्न मिलेगा, जिसके लिए हमारा जो होल डॉक्यूमेंट है वो डबल से रीरेंडर होगा। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मेरे पास एक एप्लीकेशन है, यानी कि एक वेबसाइट है जो कि राउंड ट्रिप में बनी है। तो ये मेरे पास एक वेबसाइट है, तो जिसमें क्या है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लैंडिंग पेज है, और यहाँ पर नेव बार में यानी कि नेविगेशन मेन्यू है, जिसमें हमारे पास आर कंपनी सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट का यहाँ पर नेव मेन्यू है। तो सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पर नोटिस करें, देखिए हमारे पास ये क्या होता है, ये रिलोड का यानी कि रिफ्रेश का बटन है। अगर आप क्रोम यूज कर रहे हैं या फिर आप गूगल क्रोम या फिर आप मोज़िला फायरफॉक्स, आप जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो उसमें आप यहाँ से रिलोड करते हैं। और ये साथ ही में हमारे पास क्या है, ये हमारी वेबसाइट का वेब एप्लीकेशन का टाइटल हमको यहाँ पर शो करता है। तो जैसे हम कोई और पेज को यहाँ पर रेंडर करते हैं तो देखिए क्या होता है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए हमारा जो है होल पेज यानी कि पूरा पेज जो है वापस से रिलोड हुआ, यानी कि इसका डबल से हमारे पास डॉम क्रिएट हुआ। अब देखिए अभी क्या है, मेरे पास जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये जो इमेज है, अब मुझे सिर्फ इतना ही चेंज करना है, बाकी मुझे एज इट इज रखना है। तो अब इसके लिए भी अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा, जैसे सर्विसेज पर क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देखिए इसके लिए भी मेरे पास क्या हुआ, पूरा का पूरा डॉम जो है वापस से रीरेंडर हुआ। तो देखिए छोटी एप्लीकेशन है तो इतना आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा, लेकिन हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं जब हम सिंगल पेज एप्लीकेशन की बात करेंगे तब। तो देखिए आपने देखा, जैसे मैं कोई भी मेन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, वापस से जो है हमारा पेज रिलोड होता है। अगर मुझे सिर्फ इतना पर्टिकुलर जो देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये वेबसाइट का मेरे पास जो स्लाइडर है या फिर आप इसे इमेज कह लीजिए, तो मुझे ये चेंज करना है सिर्फ इतना पार्ट, तब भी मेरे पास क्या हो रहा है, पूरा का पूरा डॉम जो है रीरेंडर हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास राउंड ट्रिप एप्लीकेशन की। तो इसी को ओवरकम करने के लिए बना है सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो चलिए बढ़ते हैं उसकी डेफिनेशन की तरफ। सिंगल पेज एप्लीकेशन या फिर आप इसे कह सकते हैं SPA, तो इसका मतलब क्या है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, अ सिंगल पेज एप्लीकेशन इज एन ऐप दैट डजंट नीड टू रिलोड द पेज ड्यूरिंग इट्स यूज एंड वर्क्स विद इन अ ब्राउजर। तो इसका सिंपल मतलब यही है कि आप एक टेम्पलेट को दूसरे टेम्पलेट में लोड करवा सकते हैं बिना पूरे पेज को रिफ्रेश किए हुए। जैसा कि आप मॉडर्न डे में यूज करते हैं कोई भी एप्लीकेशन, फेसबुक, गूगल मैप्स, जीमेल, ट्विटर, गूगल ड्राइव, तो आपने नोटिस किया होगा कि हम कोई भी इवेंट वहां पर परफॉर्म करते हैं यानी कि क्लिक इवेंट पर, तो हमारा जो है सिर्फ उतना सेक्शन ही वहां पर जो है चेंज होता है। तो चलिए मैं इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो मेरे पास एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो जस्ट मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक ई कॉमर्स की सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो मैं कोई भी यानी कि यहाँ पर कोई भी लिंक पर क्लिक करूंगा तो देखिए सिर्फ जो है उतना सेक्शन ही वहां पर चेंज होगा, पूरा डॉक्यूमेंट चेंज नहीं होगा। यानी कि हमारा जो यहाँ पर आप नोटिस करें
पेज जो है रिलोड नहीं होगा। यहाँ पर देखिए मेरे पास ऑनलाइन शॉप विद ई कार्ड बोल के ये है, जो कि हम आने वाले वीडियोस में इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल देखेंगे, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो ये कंप्लीट ई कॉमर्स एप्लीकेशन हम क्रिएट करेंगे मर्न स्टैक में आने वाले वीडियोस में, यानी कि हमारा जैसे रिडक्स का सेक्शन कंप्लीट होगा तो हम ये एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ कैसे ये सिंगल पेज एप्लीकेशन काम करती है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और आप यहाँ पर नोटिस करें इस रिफ्रेश के बटन पर। तो जैसे क्लिक करूंगा तो देखिए कुछ भी मूवमेंट यहाँ पर नहीं हुआ, जबकि हम क्या कर रहे थे यहाँ पर प्रीवियस में, जैसे कोई भी नेव पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो है पेज यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए पूरा पेज जो है रिलोड होता है। जबकि सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या होता है, हम डायरेक्टली जो है बिना रिफ्रेश किए पेज को जंप करा सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज। तो ये होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। अब इसका फायदा क्या है, देखिए सिंगल पेज एप्लीकेशन से क्या होता है, हमारे डॉम पे जो है लोड कम पड़ता है। और इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो अगर आपने वर्चुअल डॉम देखा होगा तो वर्चुअल डॉम कितना फास्ट है, अगर सिंगल पेज एप्लीकेशन हम क्रिएट करेंगे तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। कैसे, ये उतना ही पार्ट रेंडर कराता है जितना हमको चाहिए। अब मान लीजिए मैं इतना कर रहा हूँ, आईफोन 11 प्रो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो इतना ही पार्ट रेंडर हुआ, जबकि ये हमारा जो पार्ट था ऊपर नेविगेशन का ये एज इट इज जैसा का वैसा है। तो ये फायदा है सिंगल पेज एप्लीकेशन का। तो आने वाले वीडियोस में हम ये कंप्लीट वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे मर्न स्टैक में, यानी कि Node.js, MongoDB और React की मदद से हम जो है ये कंप्लीट ई कॉमर्स एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे राउटर का एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद हम फौरन क्या करेंगे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि उसके बाद में हमको एक मिनी प्रोजेक्ट करें या फिर हम डायरेक्टली रिडक्स स्टार्ट कर दें। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे रिएक्ट राउटर के बारे में। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ रिएक्ट जेएस में सिंगल पेज एप्लीकेशन का क्या काम। तो देखिए सिंगल पेज एप्लीकेशन हम रिएक्ट जेएस में कैसे क्रिएट करते हैं। तो देखिए सिंगल पेज एप्लीकेशन अगर आपको क्रिएट करना है तो इसमें कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, यानी कि कोई बिल्ट इन मॉड्यूल नहीं है रिएक्ट में। अगर आपने किसी ने एंगुलर यूज किया होगा तो आपने वहां पर नोटिस किया होगा हमारे पास जो है राउटर का पैकेज बिल्ट इन मिलता है हमको, कोई अलग से हमको वहां पर पैकेज इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। लेकिन रिएक्ट में अलग है, अगर हमको सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो हमको जो है रिएक्ट राउटर डॉम पर डिपेंड करना पड़ता है। ये एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो कि राउटिंग क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है रिएक्ट जेएस में। आप चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत पॉपुलर है, तो ये कोई ज्यादा मेमोरी कंज्यूम भी नहीं करता, तो आप इसको इजीली यूज कर पाएंगे और इसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा है, आप इजीली इसको देखकर सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिएक्ट राउटर के बारे में कैसे हम जो है इसको यूज कर सकते हैं और इसकी मदद से जो है सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं।